हरियाणा के मेवात से मूल रूप से ताल्लुक रखने वाले ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को टीम इंडिया में जगह मिली है। बंगाल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले 27 साल के शाहबाज को जिम्बाब्वे दौरे के लिए वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में चुना गया है। सुंदर कंधे की चोट की वजह से जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। शाहबाज की क्रिकेटर बनने की कहानी दिलचस्प है। पिता के कहने पर शाहबाज इंजीनियर बन तो गए, लेकिन उनका दिल क्रिकेट में ही हमेशा रमता था। आखिरकार शाहबाज ने दिल की सुनी और क्रिकेट को ही अपना प्रोफेशन बनाया। ये वाकया हम आपको स्टोरी में आगे बताते हैं, लेकिन पहले शाहबाज के घरेलू क्रिकेट के अब तक के सफर के बारे में आपको बता दिया जाए। शाहबाज 2020 से आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर बाएं हाथ से बैटिंग करने के साथ शाहबाज स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर भी हैं। शाहबाज ने आईपीएल में अब तक 29 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 18.6 की औसत से और 118.72 के स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में शाहबाज ने 13 विकेट लिए हैं। उनका इकोनॉमी रेट 8.58 का है। शाहबाज को आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेली गई पारी के लिए याद किया जाता है। 5 अप्रैल को हुए इस मैच में शाहबाज ने 26 गेंद पर 45 रन बनाकर अपनी टीम आरसीबी को जीत दिलाई थी। साल 2021 में शाहबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 7 रन देकर 3 विकेट झटके थे। ये तीनों विकेट शाहबाज ने एक ही ओवर में लिए थे। शाहबाज का परिवार हरियाणा के मेवात जिले के सिकरवा गांव का रहने वाला है। शाहबाज के पिता अहमद जान एसडीएम के रीडर हैं। मेवात जिले में पढ़ाई लिखाई को अधिक अहमियत दी जाती है। यहां तक कि शाहबाज की छोटी बहन फरहीन भी डॉक्टर हैं। शाहबाज के पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने। 12वीं के बाद शाहबाज का एडमिशन फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में कराया गया, लेकिन शाहबाज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वे क्रिकेट के लिए क्लास बंक कर देते थे। पिता को इसकी जानकारी कॉलेज से मिली। इस पर पिता ने बेटे से बात की। उन्होंने शाहबाज को कहा कि वो क्रिकेट या इंजीनियरिंग में से किसी एक को चुने, उसी पर पूरा फोकस करें। पिता के कहने के बाद शाहबाज ने क्रिकेट को चुना। शाहबाज गुड़गांव की एक क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग लेने लगे। क्रिकेट के साथ साथ शाहबाज ने पढ़ाई भी जारी रखी और इंजीनियरिंग पूरी की। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने में शाहबाज को 11 साल लग गए। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए शाहबाज ने अपने एक दोस्त प्रमोद चंदीला के कहने पर बंगाल का रुख किया। चंदीला वहां एक क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते थे। शाहबाज को बंगाल के घरेलू मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद 2018-19 में बंगाल की रणजी टीम में चुना गया। इसके बाद 2019-20 में उन्हें इंडिया ए टीम से खेलने का मौका मिला। भारत को जिम्बाब्वे में 18 से 22 अगस्त तक 3 वनडे मैच खेलने हैं। देखना होगा कि शाहबाज को इस टूर पर टीम इंडिया में डेब्यू का मौका मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।